नमस्कार, मैं सुमलता। आप देख रहे हैं जेड डिजिटल मीडिया। कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से अब पूरे उत्तर प्रदेश में 10 मई सुबह 7 बजे तक आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। शहर बनारस के प्रशासन ने इस दौरान लॉकडाउन के नियमों की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि फल बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज गली की रिटेल दुकानें, सब्जी मंडी, फल मंडी सभी दोपहर 1 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, साथ ही सैनिटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती है। लॉकडाउन का आदेश आते ही शहर के सबसे बड़े मंडी यानी कि विश्वेश्वरगंज मंडी में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। भयंकर जाम भी यहां पर देखने को मिला है। गले की दुकानों पर भी खरीदार बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ लगा करके सामान लेते हुए दिख रहे हैं। विश्वेश्वरगंज मंडी में गल्ला व्यापारियों को समय को लेकर काफी उलझन दिखी। ज्यादातर दुकानदारों से पूछने पर उन्होंने 11 बजे ही दुकान बंद करने की बात कही, जिससे खरीदार भी भीड़ लगा करके दुकानों पर सामान लेने पहुंच रहे हैं। गल्ले राशन व्यापारी भी लोगों को समझाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पर दुकान पर लगी भीड़ को नियंत्रित करना दुकानदारों के लिए काफी मुश्किल हो जा रहा है। वहीं विश्वेश्वरगंज सब्जी मंडी में भी सुबह से ही सब्जी की खरीदारी के लिए भीड़ दिख रही है। सुबह से ही क्षेत्र में वाहनों के लंबे जाम दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गल्ला व्यवसायियों का कहना है कि हम लोग प्रशासन के सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, दुकान के सारे कर्मचारी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, पर ग्राहकों को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। इन सब के परे हम आपको बता दें कि तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। जिला प्रशासन के द्वारा जितने भी नियम लगाए गए हैं, जितने भी कोविड गाइडलाइन लाए गए हैं, सबका यहाँ पर उल्लंघन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। किसी को भी कोविड का कोई भय नहीं है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड डिजिटल मीडिया के साथ।